तुलसी की। प्राचीन काल की बात है, बहुत पहले की बात है, एक राक्षस था जिसको भगवान शंकर पार्वती जी ने वरदान दिया था कि वो अगर उसे कोई धरती में, धरती आकाश पाताल में कोई भी मान नहीं सकेगा, सो इसलिए उसने उसे वरदान मिला था। इस कारण वो अपनी मनमानी करता था और देवताओं पर बहुत अत्याचार करता था। इसलिए भगवान विष्णु ने विष्णु को पता चला, भगवान शंकर ने बताया कि उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी पत्नी हमेशा माता पार्वती की पूजा करती है। इस कारण माता पार्वती ने उसे अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया है, इस कारण उसके पति को कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगर उसकी तपस्या भंग कर दी जाए और तुलसी माता और वृंदा की तपस्या भंग कर दी जाए और उन्हें जो वरदान मिला है उसे खंडित कर दिया जाए तो अवश्य उनके पति को कोई मार सकेगा। सो विष्णु भगवान ने जो है माता वृंदा के साथ समागम किया, जिसके कारण वो बहुत क्रुद्ध हुई और उन्होंने अपने को जलाकर राख कर लिया। राख करने के कारण उस मिट्टी के राख से एक वृक्ष निकला जिसका नाम था तुलसी। तो तुलसी, वहीं से तुलसी माता की पूजा करनी जा की